हमारे जो स्टूडेंट ओडिशा से जुड़े हुए हैं उन सब के लिए जो मैं कह रहा हूं सुनेंगे गौर से। हमारे बेटियां बेटे भी उड़ीसा से हैं, बहुत सारे जगहों से हैं, तो जो उड़ीसा से हैं खासकर सुने और वैसे सब सुने। हमारी ये क्रांतिकारी महिला का 19 तारीख को जन्म दिवस था, लेकिन हम इसके संदर्भ में कैसे याद करें तो ध्यान देंगे। प्रसिद्ध क्रांतिकारी समाज सेवी पार्वती गिरी का जन्म 1926 में हुआ, सवाल नहीं है। ये ओडिशा के बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती, ये भी सवाल उतना नहीं है, लेकिन ओडिशा से हैं ध्यान देंगे। 11 वर्ष की उम्र में स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेने लगी। 1942 के मूवमेंट में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा ली और जेल भी गई। इन्होंने लीडरशिप लिया बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट में और एसडीओ के कार्यालय पर हमला कर दिया और अपने वॉलंटियर से कहा कि एसडीओ को रस्सी से बांध कर मेरे पास लाओ। इनसे अंग्रेज इतने डर गए कि अंग्रेजों ने इन्हें पार्वती जी को 2 वर्ष की कठोर कारावास की सजा दी। 1951 में प्रदेश में अकाल के दौरान, जब देश हमारा आजाद हुआ 1951 में, अकाल के दौरान इन्होंने ओडिशा में बहुत जनसेवा के कार्य किए, जिसकी वजह से हमारे इस पार्वती गिरी जी को ओडिशा की मदर टेरेसा कहा जाता है। सवाल यहीं छुपा हुआ है। ओडिशा के तमाम बच्चे जब ओडिशा का कोई एग्जाम दें, जब भी सवाल पूछे ओडिशा की मदर टेरेसा किसे कहा गया है, तो हम कहेंगे किसे? क्रांतिकारी समाज सेवी पार्वती गिरी को कहा गया है। देखा सवाल कहां है, वहीं से बात करते हैं।